हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं सर हम सीनियर कांग्रेस लीडर में शामिल हो गए, आपके छोड़ने सीनियर कांग्रेस लीडर में अब नहीं रहा हो। जो नॉमिनेशन फॉर्म जो मैंने भरा है निर्दलीय क्या भरा, अच्छा निर्दलीय इंडिपेंडेंट, हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाए, और हम इसका प्रयास करेंगे, मैं खुद इसमें अपना इसका प्रयास करूंगा। 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया, 16 मई को ठीक है दे दिया। आजम खान जब से बाहर आए अखिलेश जी और आजम जी की मुलाकात नहीं हो पा रही, आजम खान और अखिलेश जी की अब तक मुलाकात नहीं हुई है। आप देखिए मैं यहाँ आया हूँ, ये सवाल अब हमसे काहे को पूछ रहे हैं, आपको मालूम है कि मेरी राज्यसभा में आवाज उठती थी, तभी भी मैं उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था, पिछली बार भी उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था, आपको मालूम है, तभी हम अपनी आवाज उठाते थे और अभी अगले 6 सालों में भी उठाएं। सर अब सीनियर कांग्रेस लीडर में शामिल हो गए, आपके छोड़ने सीनियर कांग्रेस लीडर में अब नहीं रहा हूँ। जो नॉमिनेशन फॉर्म जो मैंने भरा है वो निर्दलीय क्या भरा, अच्छा निर्दलीय क्या भरा, इंडिपेंडेंट अखिलेश जी का उन्होंने दिया है, as an independent I'll be going to I'm deeply deeply grateful for the relationship. I also wish to convey my gratitude to Azam for the support over several years. I'm happy that I will be a member of the Rajya Sabha once the nomination form is cleared and the scrutiny is done. I have always wanted to be an independent voice in this country, and I'm glad that Akhilesh ji understands why that is so. I think that we are all constrained by the fact that we are members of political parties, and we have to therefore abide by the discipline of those. But I think it is important to be an independent voice. और मैं समझता हूँ कि जब एक निर्दलीय की आवाज उठेगी तो वो लोगों को फिर ऐसा लगेगा कि किसी पार्टी से जुड़े हुए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।